सचिन तो दुनिया के किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकता है भाई, तभी तो लोग कहते हैं उसे क्रिकेट का भगवान। लेकिन लेकिन क्या राहुल, सोचने की बात है कि सचिन दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन फिर भी वो हर तरह की सुरक्षा के बारे में सचेत रहता है। सचेत रहता है, तुम्हारा क्या मतलब है राहुल? जैक, यही कि वो हमेशा हेलमेट और पैड के साथ साथ एल्बो और थाई पैड भी पहनना नहीं भूलता है। सचिन से हमें सीखना चाहिए कि सुरक्षा हर काम और हर परिस्थिति का अभिन्न अंग है, चाहे कोई कितना भी होशियार हो। हम तो रबड़ की गेंद से ही क्रिकेट खेलते हैं और उससे चोट भी नहीं लगती। उफ़ अंश, पिछले हफ्ते हमारे स्कूल में फायर फाइटर आए थे, उन्होंने बहुत सी दुर्घटनाओं से बचने के तरीके बताए। और हाँ, सचिन से मुझे याद आया कि मैं तुम लोगों को भी वो सब बातें बताऊं। सचिन का आग से क्या लेना देना? अंशु, ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं बल्कि सुरक्षा उपायों की बात है। तुम्हारा मतलब है स्कूल में आग? हाँ मिस्टी, घर में, स्कूल में या फिर बस में। अगर आग लग जाए तो पापा है ना? अंश, और अगर पापा घर पर ना हो तो? तो मम्मा। अगर मम्मा भी घर पर ना हो तो? तब मुझे नहीं पता। जैक, मुझे लगता है फायर फाइटर ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी होंगी। हाँ मिस्टी, और जरूरी भी। देखो, दुर्घटनाएं अचानक होती हैं और अगर हम उनके लिए तैयार नहीं हैं, तो मुसीबत हो सकती है। सबसे पहले ना तो हमें घबराना चाहिए और ना ही इधर उधर भागना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मान लो आग लग जाए तो सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि आग कहाँ और किस तरफ लगी है। हमें आग बुझाने की कोशिश खुद नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आग बुझाना विशेषज्ञों का काम है, जैसे कि फायर ब्रिगेड वाले। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो मिष्टी, सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है और सुरक्षित जगह पर पहुंचकर आपातकाल नंबर 101 पर सूचना देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा, फायर फाइटर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। किसी भी ऐसी दुर्घटना से निपटने के लिए हमारे पास एक योजना होनी चाहिए जिससे हम सकुशल सुरक्षित बाहर निकल सकें। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि घर या क्लास के लोगों को बाहर निकलने के बाद कहाँ इकट्ठा होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हर क्लास में कम से कम 2 प्रशिक्षित सदस्य होने चाहिए। अगर आपको इस तरह का आपातकालीन अलार्म या फिर कोई घोषणा सुनाई दे तो कभी ना घबराएं, ना इधर उधर भागे, ध्यान पूर्वक रुकें और उसका पालन करें और निकास मार्ग की तरफ जाएं और बाहर निकलने के बाद पूर्व निश्चित स्थान पर इकट्ठा हों। फिर गिनती करके ये सुनिश्चित कर लें कि सब लोग बाहर आ चुके हैं, कोई छूट तो नहीं गया है, और अगर छूट गया हो तो बचाव टीम को अंदर भेजें। और अगर आग घर में लगी हो तो? तब कभी भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहां से धुआं उठ रहा हो। पहले सबको बताएं और फिर सुरक्षित रास्ते से बाहर निकल जाएं। क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ ज्यादा घना होता है और खड़े खड़े निकलने की वजह से आँखों, नाक और मुँह में धुआं जा सकता है और सांस रुक भी सकती है। और हाँ जैक, बहुमंजिला इमारत में रहने वालों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आग ज्यादा फैल गई हो या फिर बाहर निकलने वाले दरवाजे पर हो, खिड़की खोल देनी चाहिए जिससे कि सारा धुआं बाहर निकल जाए। लिफ्ट का इस्तेमाल कभी ना करें। और अगर हाथ जल जाए तो? ये तो मुझे भी पता है कि जले हुए हिस्से को ठंडे पानी से लगातार धोना चाहिए। बिल्कुल सही मिष्टी। और हाँ, रात के समय बिजली के सारे उपकरणों को बंद करके सोना चाहिए, जैसे हीटर, कंप्यूटर, टीवी वगैरह। एक बात और ध्यान देने की है कि कितना भी जरूरी हो बिल्डिंग में वापस ना जाएं जब तक कि उसे सुरक्षित घोषित ना कर दिया जाए। हाँ, सुरक्षा सबसे जरूरी है। एक बात आप लोग भूल गए। क्या? पटाखे घर में नहीं, हमेशा बाहर खुली जगह में जलाना चाहिए। कमाल है अंश। और पटाखे जलाते समय पानी की बाली हमेशा पास में रखें। अब मुझे पता चला कि सचिन हमेशा इतने सारे पैड क्यों पहनता है। ये तो बहुत अच्छी बात है अंश। आग से सुरक्षा के उपाय अपनाएं, खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित बनाएं।